वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम फिर जेई मेंस के लिए उसी बुक का थोड़ा और डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे, उस बुक के एडवांटेजेस की बात करेंगे, ताकि आपको बुक थोड़ा एक तरीके से रिव्यू भी मिल जाए, ताकि आप जान भी लें। देखिए, ये जो बुक है, जैसा जेई मेंस फिजिक्स आप देख सकते हैं, 2013 से प्रेजेंट डे तक है। प्रेजेंट डे का मतलब है जो आज है, आज का मतलब होगा 2019 के अप्रैल तक के क्वेश्चन पेपर इसमें सॉल्व हैं। कुछ बातों पर आप ध्यान देखिए, इसमें टॉपिक्स आप देख सकते हैं, फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है, ग्रेविटेशन हमारे पास टॉपिक है, काइनेमेटिक्स हमारे पास टॉपिक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टॉपिक है, वर्क पावर एनर्जी टॉपिक है, रोटेशनल डायनामिक्स है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमारे पास इधर आ गया, थर्मोडायनेमिक्स भी हमारे पास आ गया, लेकिन साथ में ऑसिलेशन वेव्स के साथ एक और चीज देखिए, आपके पास ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स इसमें आ गई, जिसको आप रे ऑप्टिक्स कहते हैं। तो रे ऑप्टिक्स इसके अंदर डाल दी गई है। एक्चुअली क्या है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 11th क्लास के सिलेबस में रे ऑप्टिक्स को कन्वर्ट कर दिया गया था सीबीएसई के द्वारा, तो इस समय यह रखा गया कि इसको रे ऑप्टिक्स इसमें डाल दिया जाए। तो जिस समय बुक को बनाया गया, 11th क्लास का फुल सिलेबस लिया गया। तो अब है इसमें, देखिए, दिस इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, मतलब आपको इस बुक के अंदर क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने के साथ आपको किसी और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फिर इसको और डिटेल में अभी अंदर से भी आपको दिखाता हूं इस बुक को। उसके बाद आप इस ऑथर को देखिए, इज एस के धवन, ऑल इंडिया रैंक आईआईटी जेई 2007 में 185 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक फॉर आईआईटी जैम 2013 में दिया नंबर 2, एंड ऑल द रैंक्स आर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब इनकी रैंक जितनी भी हैं, इन्होंने सारी के सारी रैंक्स अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ली हैं। तो सारी के सारी रैंक्स इनकी पहली बार पेपर देकर है, ये नहीं कि एक बार पेपर दे दिया फिर नेक्स्ट ईयर रैंक इंप्रूव किया या पहले कभी पेपर दिया। तो बहुत ही यंग एज में इन्होंने एडमिशन ले लिया आईआईटी में, और हर बार पूरी तैयारी के साथ, पूरी फिजिक्स की तैयारी के साथ, पूरी केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी के साथ अपने पेपर दिए। तो ये सारे पेपर इनके पास आपकी जानकारी में, ऑल द रैंक्स विच ही हैज एक्वायर्ड 185 जेई 2007 में, साथ में ऑल इंडिया फिजिक्स के टॉपर थे ये 2007 में ही, और जैम का जो रैंक था AIR जैम का 2013 में रैंक 2 इनकी आई थी। तो ये इनके पास इनकी उपलब्धियां रही हैं आपके पास, जिसमें इन्होंने इसको लिया कि पहले ही अटेम्प्ट में इतनी बेहतरीन रैंक ऑब्वियसली कोई बुद्धिमान विद्यार्थी ही ले सकता है। आइए अब मैं आपको इस बुक के, जिस तरह क्यों इस बुक को कहा जा सकता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और आपके पास ये सारे पेपर ही नहीं है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज, यहां देखिए लिखा है टॉपिक वाइज, तो सारे के सारे इसमें एक एक टॉपिक के बाद आप स्टडी करें, मतलब आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया उसके बाद इस बुक के क्वेश्चन को आप करें, दूसरा टॉपिक क्या, क्योंकि सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं है, पेपर्स को पहले सेग्रीगेट किया गया हर प्रकार के क्वेश्चन में, हर टॉपिक के क्वेश्चन में, और फिर उनको सॉल्व किया गया, राइट। अब इसमें देखो बता भी रखा है कि ब्रीफ थ्योरी एंड रेलेवेंट फॉर्मूला एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, मोर देन वन सोल्यूशन गिवन इन वेरियस क्वेश्चन, सोल्यूशन आर रिटन कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, सोल्यूशन आर इजिली अंडरस्टैंडेबल। अब ये अंडरस्टैंडेबल क्या है, ये अब आपको उस बुक के अंदर रिव्यू करके आप देख पाएंगे। आइए हम बुक को अंदर से खोल के आपके सामने दिखाते हैं। आइए सबसे पहले आपके सामने ये देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर हमने लिया, कि जिसके अंदर, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी में परेशानी में आते हैं, कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की आपके पास बेसिक थ्योरी आपकी इनिशियल स्टार्टिंग में दे दी गई, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बता दिया, यहां पर एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ डिटेल बता दिया, फिर फ्रिक्शन के ऊपर, फ्रिक्शन की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन और म्यू के एन, और यहां भी बता दिया म्यूएस म्यू के बीच का रिश्ता, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट यहां ले लिया, और कई बार फ्रिक्शन का उपयोग रोटेशन डायनामिक्स टाइप क्वेश्चन में होता है, तो उसके फॉर्मूले आपको यहां दे दिए गए, क्योंकि आपको पता है सर्कुलर मोशन या बैंकिंग ऑफ रोड्स इसी के अंदर आता है, तो इसके लिए ये चीजें ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में आपके सामने रख दी, क्योंकि आप लीनियर की जगह आप एंगुलर चीजों पर भी देख सकें। अब सेंट्रीपिटल फोर्स
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके ऊपर आपने डिस्कस यहां कर दिया टोटल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स, मतलब ये पूरा सर्कुलर मोशन को भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया गया। तो जो जो चीजें आपके पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप देखिए आएगा, क्या लॉज ऑफ मोशन आपके यूज हो गए, मोमेंटम यूज होगा, इंपल्स यूज होगा, सर्कुलर मोशन यूज होगा, फ्रिक्शन यूज होगा, इनकी सारी की सारी शॉर्ट में डिटेल्स आपके साथ देख दी गई हैं। और उसके बाद सेंटर ऑफ मास अगर मूव करता है, जहां पर कंजर्वेशन मोमेंटम आएगा वहां पर आपके पास ये है, देखिए लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम आपके पास बता दिया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच बता दिया, कोलिजन टाइप का क्योंकि ये भी इस्तेमाल हुआ है, और कोलिजन के बेसिकली ई की मदद से, देखिए आप कोलिजन डिटेल में तो पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, लेकिन कोलिजन के मोमेंटम के ऊपर और कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां पर बता दिया, फोर्स को निकाल दिया, प्रेशर किस फॉर्म में दिया गया है उस तरीके से आपको यहां भी समझा दिया, प्रेशर अपॉन एरिया है, सर्कुलर मोशन में फोर्स कहां लगती है वो आपको यह थ्योरी में बता दिया गया। आप देख सकते हैं इसका मतलब शॉर्ट में जितनी थ्योरी आपको चाहिए, सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरीज आपके पास एक जगह पर कंपाइल करके आपको मिल गई है। अब इसके बाद आप समझिए होगा क्या, जब आपने थ्योरी एक बार पूरी देख ली है, फिर आपके पास क्वेश्चन ईयर वाइज लगे हुए हैं आपके पास, यहां देखिए, ये देखिए क्वेश्चन शुरुआत हो गए, ये जेई मेन ऑनलाइन का है, ये मेन ऑनलाइन का है, ये मेन ऑनलाइन का है, ये वाला मेन ऑनलाइन का है, ये क्वेश्चन मेन ऑनलाइन का है, ये भी मेन ऑनलाइन का है, ये भी मेन ऑनलाइन का है, उसके बाद देखिए ये ऑफलाइन का आ गया अगला क्वेश्चन, मतलब जो जो क्वेश्चन आपके जेई के ओरिजिनल पेपर्स में आए हैं 13 और 14 में, वो सारे यहां पर 13 से लेकर 19 तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर आपको दिखा दिए गए, ताकि आपको उसको समझने में क्लियर हो जाए। आप ईयर वाइज भी क्वेश्चन कभी भी आप चेक कर सकते हैं, ताकि कौन सा क्वेश्चन है कहां पर आ रहा है, इस तो का मतलब पूरी लिस्ट बनी हुई है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड। अब आइए आगे, ये देखिए ये 2019 का ऑनलाइन लास्ट क्वेश्चन है, मैंने 58 क्वेश्चन आपके पास इस टॉपिक में है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने हुए, देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसके सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं 19 तक, जितने क्वेश्चन आए हैं हर एक के अंदर से कंपाइल करके शुरुआत से आखिर तक किस किस चैप्टर में क्या क्वेश्चन आए हैं ये सारे इसमें आपको कंपाइल करके मिल गए, और अब इनके आंसर्स की आपके सामने बात आएगी। तो सब इस क्वेश्चन इस बुक में क्या चीज दी गई मैं आपको वो बताता हूं। कई बार क्या होता है हमारे पास आंसर और सोल्यूशन एक साथ दे दिया जाता है, उसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है बच्चा सिर्फ आंसर पर भी कभी क्वेश्चन नहीं कर पाता, मैंने आपने पहली बार इसका कोई क्वेश्चन कर लिया, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, इसके सिर्फ आंसर्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले का आंसर डी है, दूसरे का डी वगैरह वगैरह, जो भी आंसर्स हैं वो आपके सामने लिख दिए गए। अब नाइन्थ में देखिए नन, 43rd में नन, इसका मतलब किस वजह से, अभी हम नाइन्थ क्वेश्चन भी देखेंगे 43rd भी देखेंगे, ये क्वेश्चन क्यों गलत है और उसकी वजह से क्या ठीक होना चाहिए, किस तरह इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले आपके पास आंसर्स हैं, देखिए तरीका तो इस बुक को करने का ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन लीजिए, उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए, आपका आंसर आ गया तो टैली कर लीजिए, आप टैली करने के बाद मान लीजिए आपका आंसर अभी भी गलत है तो आपको अभी सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मिल गई है, कौन सी ऑप्शन आपने कर लिया, दोबारा उसको रीचेक कर सकती है, और फिर से एमसीक्यू को करने का तरीका मैं वही टाइम देकर आपसे कहूंगा जिसको आपने समझना है, राइट। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन पहले क्वेश्चंस हैं ईयर वाइज पूरे छटे हुए, उसके बाद इसके ऑप्शंस इस तरह के सारे लिखे हुए हैं, और अब आप इस ऑप्शन के बाद आगे आप चलेंगे सिंपल इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन किस प्रकार से उसमें किए जाते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी उस लिहाज से आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए हमारे पास अभी देखिए आप नाइन्थ क्वेश्चन था जिसके अंदर आपके पास नन लिखा हुआ था, ये देखिए नाइन्थ क्वेश्चन है। अब नाइन्थ क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहले वैसे ये जो ब्लॉक आपको दिखा रहा हूं ये हर क्वेश्चन से पहले एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक क्या है, ये आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी बताता है, क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी यहां पर बता दी जाएगी कि इस क्वेश्चन में ये एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, फ्रिक्शन इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप
पहली बार अगर आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं निकला, आपके पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन के बाद भी अगर आपसे आंसर नहीं निकला तो थर्ड चीज आपके पास यहां पर सॉल्व की है कि इस फॉर्मूलों पर बेस आपने क्वेश्चन पर दिमाग लगाना है। इसके बाद अगर आपके पास फिर नहीं निकले तो आपको आवश्यकता पड़ेगी इसका सोल्यूशन जो नीचे यहां दिया हुआ देने के लिए, फिर आप इस सोल्यूशन को देने के लिए यहां पर इस सोल्यूशन को देखेंगे। अब यहां पर इन्होंने पूरे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया, म्यू की वैल्यू निकाल दी है, पूरे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व किया। अब यहां पर अब इन्होंने पूरा सॉल्व करके लास्ट में बताया, वी सेड नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। तो जो पूरा सॉल्व किया हुआ है, किस तरीके से बुक वाले की गलती हो सकती है, किस तरीके से कई बार होता आता है, नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गलतियां नहीं होती, पर एक दो एग्जाम क्वेश्चन में कभी आपको गलत मिल भी जाता है, तो आपको ध्यान से वो क्वेश्चन देखना किस तरह। तो इस ऑथर ने आपको बता दिया है इसलिए ये क्वेश्चन गलत है और ये क्वेश्चन में एरर है। तो इस तरह डिटेल में, तो मैंने आपको बताया तीन स्टेप्स इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको समझने हैं। पहला, आपके पास हर टॉपिक से पहले उसके रेलेवेंट फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद ईयर वाइज आपके पास क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस को आप टाइम बेस में सॉल्व कीजिएगा। ये मैं बार बार आपसे कहता हूं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को सेल्फ प्रैक्टिस में आपने टाइम बेस ही करना है। तो आपने उस क्वेश्चन को आपने यूज करना है, आपने देखना है, उसके बाद फिर आपके पास जो जो आंसर आ गए चेक उनको टैली कीजिए। तो एक जगह पर पहले आपके पास सिर्फ आंसर्स हैं, उन आंसर से आप चेक कर सकते हैं कि यदि आपका आंसर ठीक नहीं आया तो कौन सा आंसर ठीक है, आप उसके बाद दोबारा एक बार उसको सोच सकते हैं। तो आपको पता लग गया, मान लीजिए पहली बार ऑप्शन के बाद आपका आंसर जानने के बाद भी ठीक नहीं आया, तो आप दोबारा उस क्वेश्चन के ऊपर आइए। और आज जैसे मैंने आपको दिखाया यहां पर, देखिए हर क्वेश्चन से पहले क्या बताया ऑथर ने, आपके पास इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो आपको पहले बता दिया गया। तो सिंसियरली आपने करना यह कि पहले फॉर्मूले को समझ लेना है, अगर आपका दिमाग इसी फॉर्मूले पर था या नहीं था तो दोबारा देख लीजिए और फिर आप इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करें। यदि अंत में नहीं निकलता तो आप इस क्वेश्चन को इनके सोल्यूशन से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत से सोल्यूशन ऐसे भी हैं जो दो दो मेथड से सॉल्व किए हैं, दो दो तीन तीन मेथड से, देखिए आंसर तो वही आता है लेकिन बनाने का मतलब होता है कौन सा मेथड आपके लिए आसान हो, ये आपको स्वयं जज करना है। कुछ ऑथर्स अपने आप बता दिया करते हैं कि ये मेथड आसान है, लेकिन इस केस में इन्होंने सारे ऑप्शन आपके पास छोड़े, आपको जो आसान लगता है उसको इस्तेमाल करिए, आपको जो थोड़ा टफ लगता है उसको छोड़ दीजिए। तो ये मैंने आपके सामने इस बुक का एक और रिव्यू दिया, आशा आपको बुक के रिव्यू से आपको बुक के बारे में और क्लियर हो जाएगा, इस बुक को आप यूज करें। ऑल राइट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।